तो हेलो एवरीवन, आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, ये हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट निमी का है, जिसमें आपको 25 में से 25 क्वेश्चन करने हैं और 25 दूनी 50 नंबर आपको लाने हैं। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो में आप लोग जोर और जोश जुनून के साथ जुड़ेंगे और एंड तक आपको रहना, ठीक है। एंड तक आप इस वीडियो को देखेंगे और आपका जो भी स्कोर आए, एक क्वेश्चन आपको कमेंट में देंगे उसका आंसर और आपका स्कोर आंसर जो भी हो हमें कमेंट करके आखिरी में बताना है। और साथियों, आप लोगों से निवेदन करूंगा, आपके यार दोस्त चाहने वाला जो भी हो, ग्रुप हो, व्हाट्सएप का आईडी का स्टूडेंट हो, उसमें शेयर कर देना। आप लोगों के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को फैला दीजिए। चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग आंसर करेंगे। जो साथियों को आंसर नहीं पता हो, प्लीज आप भी आंसर करें और कमेंट में देखें हम कहां पर गलत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को, और हाँ, ये व्हाट्सएप पर मैसेज करना बंद कर दो कि मुझे पेपर दे दो सर, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो जिससे मैं पास हो जाऊं। भाई दिन रात एक कर दो, 22 तारीख को आप लोगों की एग्जाम है, धुआं धुआं करना है, ठीक है। ये बात आप गांठ बांध कर रख लो, धुआं धुआं करना है एग्जाम में। तो प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाइए, यूट्यूब पर वीडियो बनी है। भाई ऐसा करते हैं, आपके सामने खाने की थाली रखते हैं और बोलते हैं कि खाना खा लो, जब तक आप उसे हाथ से तोड़ के अपने मुंह में नहीं ले जाओगे, पेट में नहीं जाएगा। चलिए ये उदाहरण आप लोगों के लिए, समझ जाइए तो ठीक है, नहीं तो वही 50% 60% आईटीआई में बनाओगे तो उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी लक्ष्य या कार्य में सफलता की कमी को खाली स्थान कहा जाता है, वो विफलता होती है या हमारे लिए सफलता होती है, या हम बोरिंग लगती है या संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं हम सफलता की कमी से, बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इतने लोग जुड़े हुए हो ना, एंड तक आपको, आप लोगों को अपने दिल पे हाथ रखे कसम खानी है, बिल्कुल एंड तक इतने लोग जुड़ के रहना, जो लोग छोड़ के जाते हैं वो लोग हमेशा फेल होते हैं। बिल्कुल सही, जो स्टूडेंट हमारे प्यारे स्टूडेंट आंसर लगा रहे हैं ए ऑप्शन, ए वाले हमारे बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ए वाले बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेवर नेटवर्क बनाने के लिए कौन सी अच्छी जगह है, बताइए। बैठकें होती हैं जो हमारी मीटिंग होती हैं, या हम कहेंगे सोशल मीडिया होती है, या हम कहेंगे कम्युनिटी गैदरिंग यानी कि समुदाय सभा होता है वहाँ, या उपयुक्त संघ। चलिए कमेंट करिए, कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी से। तो जो भी ट्रेनी आंसर इसका लगा रहे हैं बी सोशल मीडिया, बिल्कुल आप लोग सही आंसर लगा रहे हैं बी, ठीक है। बी वाले हमारे आईटीआई के प्यारे प्यारे स्टूडेंट बी आंसर लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात जिससे कोई स्वीकार नहीं करता उसे खालिस्तान कहते हैं, बताइए। समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय समवन इज कॉल्ड, वो यह हम कहेंगे स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस होती है, अस्वीकृति रिजेक्शन हो जाएगी, फेलियर यानी विफलता, या हम कहेंगे सक्सेस यानी सफलता। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो बी रिजेक्शन, बहुत ही बढ़िया और आसान क्वेश्चन कर रहे हो बी, बहुत बढ़िया आप लोग। उम्मीद करूंगा, मैं दुआ करूंगा भगवान से कि प्लीज आप लोगों के 25 में से 25 क्वेश्चन सही हो और आपका दिमाग एग्जाम में अच्छा चले। चलिए बी ऑप्शन वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी साथी कमेंट करेंगे। उद्योग दौरे का क्या लाभ है, परिवार से बात करने का मौका मिलता है, दोस्तों से बात करने का मौका मिलता है, या विशेषज्ञों से बात करने का मौका मिलता है, या हम कहेंगे शिक्षकों से बात करने का मौका मिलता है, बताइए कमेंट कर दीजिए धड़ाधड़ फटाफट, बताइए। उद्योग में हमेशा याद रखना, अगर आपका कोई सीनियर है या कोई विशेषज्ञ है उससे हमको बात करने का मौका मिलता है। तो जो भी साथी इसका आंसर लगा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से सी,
बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। सी वाले हमारे सभी साथी सही आंसर लगा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब आप बिल्कुल सही। ठीक है, चार क्वेश्चन किए, चार में एक भी गलत नहीं होना चाहिए अभी तक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, छात्रों और अतिथि वक्ता के बीच औपचारिक बातचीत को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। अध्यापन, अतिथि व्याख्यान, बोल रहा है, बात कर रहे हैं। चलिए कमेंट करिए, पांच नंबर का कमेंट करिए सभी लोग फटाफट, जल्दी से सभी लोग करेंगे, बिल्कुल सही हो चुका है। चलिए पांच नंबर का कमेंट करिए, बी ऑप्शन आ चुका है भाई, अतिथि व्याख्यान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गेस्ट लेक्चर, बिल्कुल सही आंसर बी। बी वाले हमारे ट्रेनी जो है ना, प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल आप लोग सही आंसर लगा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो हमारी महंगी चीज़ें जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि जो हमारी महंगी चीज़ें जो हमारे अस्तित्व के लिए नहीं है, ज़रूरतें होती हैं, चाहता यानी वांट्स, विलासिता या फिर बचत, बताइए। कमेंट करेंगे छः नंबर का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विलासिता, सी ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। सी वाले सभी स्टूडेंट सही हो जाएंगे, सी वाले लो आंसर कर दिया मैंने, ये रहा, आप लोगों ने आंसर दिया बहुत बढ़िया, सी के सी बिल्कुल सही, सिक्स का सी। क्वेश्चन नंबर सेवन, और अच्छा क्वेश्चन है भाई, धन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्थान है, अस्पताल है, बैंक है, पंचायत लगाएंगे या फिर विधानसभा में रखेंगे, बताइए सुरक्षित धन को कहां पर करेंगे, कमेंट करिए जल्दी से प्यारे प्यारे छात्र हमारे, बिल्कुल सही बी ऑप्शन लगा रहे हैं बैंक में, बिल्कुल सही बी वाले सही रहे। और मैं आपको बता दूं, बी वाले तो सही हैं, लेकिन यह क्वेश्चन 2023 में इलेक्ट्रीशियन में भी पूछा गया, कोपा में भी पूछा गया, बिल्डर में भी पूछा गया, डीजल मैकेनिक, मतलब हर एक ज़्यादातर देखा जाए ट्रेड में यह क्वेश्चन पूछा गया था, समझ गए मेरी बात को। चलिए आगे क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है अविनाश को अपने पिछले महीने के लेन देन के बारे में जानना होगा, खाली स्थान यह वितरण कैसे प्राप्त कर सकता है, पासबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर चेक, बताइए जल्दी से बताइए सभी लोग, आठ नंबर का आग लगा दो। अविनाश को अपने पिछले महीने का जो लेन देन होता है वो हम पासबुक में चढ़वा लेते हैं और पता लग जाता है कि हमारा कितना लेन देन हुआ, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जितने भी ट्रेनी हैं हमारे प्यारे प्यारे छात्र, ए ऑप्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन सही है। और इस क्वेश्चन को आपने सही तो किया है, 2024 का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये भी आप अपने दिमाग में बिठा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेटवर्किंग कंप्यूटर पर खाली स्थान के माध्यम से की जाती है, जो नेटवर्किंग होती है वो हमेशा याद रखना है आपको, वो फोन से भी नहीं, दोस्त से भी नहीं, खंजाची से भी नहीं, वेबसाइट, नेट बैंकिंग जो होती है वो वेबसाइट, नाइन का डी ऑप्शन। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे छात्र इसका डी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैं फिर बता दूं, आप लोग बोलते सर इम्पोर्टेंट जो हुआ करें उसमें आप लिख दिया करो तो हम स्क्रीन शॉट कर लिया करें, तो भाई इसको इम्पोर्टेंट की लिस्ट में डाल दो। ठीक है, कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो इम्पोर्टेंट आपको बताता चलूंगा, उसकी आप लोग टेंशन नहीं लेनी है। इनमें से कौन सा डिजिटल वॉलेट नहीं है, डिजिटल वॉलेट नहीं है, गूगल पे है, बताओ गूगल पे है तो हम कहेंगे है, पेटीएम है तो है, भीम यूपीआई है तो है भाई, तो क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है तो हम क्या करेंगे, डी ऑप्शन को कट कर देंगे, डी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, जो साथी इसका
डी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग जो आंसर लगाए हो ना एकदम सही है। और इस क्वेश्चन को आप लोग 2024 के लिस्ट में डाल दो भाई, इसको भी डाल दो। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, मोबाइल डिवाइस का उपयोग किया जाने वाला ऑनलाइन भुगतान ऐप है कैसा है? डिजिटल वॉलेट, क्रेडिट या ऐप या फिर चलो बताओ जल्दी से सभी लोग आंसर करें। तो बिल्कुल सही है, जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग किए जाने वाला ऑनलाइन भुगतान ऐप है वो डिजिटल वॉलेट है, जिसमें हम इकट्ठा करके आप आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन। जो भी साथी हमारे हैं जो 11 का मेरे प्यारे स्टूडेंट जो आईटीआई के ट्रेनी प्यारे प्यारे ए ऑप्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल आप भाई साहब का आंसर सही है, किसी का भी गलत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोगों को हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिना खर्च किए गए रवि और बिना खर्च किए गए रखी गई राशि है, तो जो बिना खर्च किए जो एक राशि होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेविंग कहते हैं, बिल होता है, टैक्स होता है या फिर हमारा डेडिकेशन बताओ यानी कटौती। तो कटौती टैक्स, जब हमारा 5-6 लाख रुपए अगर हमारी आय है तो टैक्स लगता है। बिल वो होता है जैसे बिजली बिल है, गैस बिल है, वो हमारे बिल होते हैं। तो बिल बिना खर्च किए गए ए ऑप्शन। तो जितने भी हमारे साथी हैं जो ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो ए ऑप्शन वाले अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, सभी का आंसर सही आ रहा है भाई। प्यारे स्टूडेंट मेरे प्यारे प्यारे ट्रेनिंग, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग करिए। चलिए ईमेल आईडी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप है? हमें ये बताना है कौन सी ईमेल आईडी ऐसी है जो एकदम करेक्ट है, एकदम सही है, बताओ। अगर आप लोग अपने मोबाइल में होंगे, यूट्यूब प्ले स्टोर वगैरह चला रहे होंगे तो उसमें ईमेल होती है, तो क्या ऐसी होती है जो मैच करती है? देखिए कौन सी है बताओ, कमेंट करिए 13 नंबर का। तो जो भी साथी इसका लगा रहे हैं joseph@gmail.com, बिल्कुल सही आंसर इसका जो होगा वो बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। जीमेल डॉट फिर बाद में इंग्लिश ये गलत हो जाएगा, सी है, डी है, एक बार देख लो सी और डी आप लोग देख लो, ये 110% गलत है, सी और डी ऐसे नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे लेके चलेंगे आप लोग। आगे क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक उपकरण है जो खोज इंजन का उपयोग करते समय असुरक्षित पृष्ठों को ब्लॉक कर देता है, टेलीग्राम, गूगल, सुनिश्चित खोज या फिर वेब पेज, बताइए 14 नंबर का आप लोग आंसर लगा रहे हैं सुरक्षित खोज, बी ऑप्शन नहीं सी वाले सभी के सभी सही आंसर लगा रहे हैं, ठीक है सी वाले, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप आंसर कर रहे हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से मोबाइल ऐप चुने, लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक उपयुक्त सभी, तो आप आंसर बिना सोचे समझे क्या करोगे बता। अगर आपको कुछ नहीं आता होगा इन चीज़ों को पढ़ेंगे, क्या ये सभी मोबाइल ऐप हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल हैं। तो जो भी साथी इसका लगा रहे हैं डी ऑप्शन, डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 15 में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हुआ तो भाई डंडे से मारूंगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कोविड के बाद हमें आभासी दुनिया का अपनाया, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होने वाली बैठकों को खाली स्थान कहा जाता है, ऑनलाइन बैठक, शारीरिक बैठक, ऑफलाइन मीटिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं, चलिए बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करें। 16 नंबर बिल्कुल सही, जो कोविड के बाद हमें आपसी दुनिया को मतलब इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग होती है उसे हम बोलते हैं ऑनलाइन बैठक।
ऑनलाइन वेटिंग एकदम सही आंसर ए हो जाएगा। ए वाले जितने भी साथी हैं बिल्कुल आप लोग सही आंसर लगा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आपका सही आंसर है, गलत आंसर आपका है ही नहीं, 110%, ठीक है। और आप 2024 के लिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घोषित कर दें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इंटरनेट खाली स्थान बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह, तो बताओ इंटरनेट बनाने की, जीवन भर सीखने वाला, स्व शिक्षार्थी, निरंतर सीखने वाला या उपयुक्त समय। चलिए कमेंट करें, कमेंट करिए 17 नंबर का। तो बिल्कुल सही आंसर जो हमारे ट्रेन लगा रहे हैं डी, डी वाले एकदम सही आंसर लगा रहे हो, जो भी साथी हैं डी लगा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोविड के बाद हमने आवासीय दुनिया को अपनाया, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होने वाली बैठकों को खाली स्थान कहा जाता है, ऑनलाइन बैठक ही कहा जाता है, ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका भी 18 का भी ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका था लेकिन आया है तो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम संचार तब शुरू करते हैं जब हम खाली स्थान होते हैं, वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर एडल्ट होते हैं, पेरेंट्स, चिल्ड्रन या फिर पुराने यानी ओल्ड होते हैं, बताइए 19 नंबर पर, जल्दी कमेंट करिए 19 नंबर पर। तो जो लोग हमारे आईटीआई के बच्चे हैं ट्रेनिंग लगा रहे हैं चिल्ड्रन, बिल्कुल आप लोग इसका आंसर सही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें ये ट्रेड की वीडियो दे दो, हमें वो ट्रेड की वीडियो दे दो, तो साथियों से मैं कहना चाहूँगा मुझे टाइम नहीं मिल पाता, जितना मिलता उतना आपको देता हूँ लेकिन उसमें आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है। अभी हमारी रेलवे से अप्रेंटिसशिप चल रही है, जो है मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ठीक है, अभी अप्रेंटिस चल रही है, 6 महीना है, 22 यानी कि आपको 30 अगस्त को मेरी वीडियो आएगी 6 महीने कंप्लीट होने के, ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए तो जितना होता है उतना आपको टाइम देता हूँ, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो शेयर कर दिया करो। संघर्ष आमतौर पर खाली स्थान बनाता है, नकारात्मक भावनाएं, सकारात्मक भावनाएं, खुश भावनाएं या फिर लड़ाई, 20 नंबर कमेंट करिए 20 नंबर। तो बिल्कुल सही, उस नकारात्मक संघर्ष आमतौर पर क्या बनाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा नकारात्मक भावनाएं, ठीक है साथियों। तो जो भी साथी इसका ए ऑप्शन लगाए हैं नकारात्मक भावनाएं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21, अब क्वेश्चन नंबर 21 तो ये रहा, ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 21, संगठन मुख्य रूप से खाली स्थान के माध्यम से संचार करते हैं, लेटर्स, पत्र, ईमेल्स, कॉल, प्रोजेक्ट परियोजनाएं या फिर अनफेमिलर्स वर्ड्स, अपरिचित शब्द, 21 नंबर का आप लोग बताइए। चलिए 21 नंबर का बताइए आप। तो संगठन मुख्य रूप से ईमेल के माध्यम से संचार करते हैं, क्या ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल आंसर हमारा सही है, बी ऑप्शन वाले हमारे सभी के सभी ट्रेनिंग सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं किस तरीके से, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, चुपचाप या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, 22 नंबर का कमेंट कर देंगे बी ऑप्शन। तो जितने भी हमारे ट्रेनी हैं आपस में कर रहे हैं आंसर यानी कमेंट में अनौपचारिक रूप से, जो बिल्कुल सही आंसर है, और 2 नंबर आपके यहाँ से मैं क्लियर करता ही करता हूँ, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये,
अगला क्वेश्चन है, एक औपचारिक पत्र का उपयोग खाली स्थान उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, वोरिंग, आधिकारिक दोस्ती या फिर लड़ाई, इनमें से कौन सा बताइए। चलिए कमेंट करेंगे फटाफट, सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। 23 नंबर, तो 23 नंबर का जो भी हमारे साथी हैं जो लगा रहे हैं बी, ऑफिशियल यानी आधिकारिक, बिल्कुल सही आंसर सी। क्या हो जाएगा 23 का, 23 का जो आंसर आप लोग, एक मिनट मैं देख लूं। 22 का मैंने क्या बताया था, अनौपचारिक। 21 का मैंने बताया था क्या, बी यानी ईमेल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हाँ जो 23 का आंसर हो जाएगा, 23 का बी आंसर, ठीक है ठीक है। 23 का क्या आ जाएगा, बी आंसर, ऑफिस यानी अधिकारी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, रहीम अपने लंच ब्रेक के दौरान एमएस ऑफिस सीखता है, यह एक उदाहरण है, समय प्रबंधन, बहुत ज़्यादा सोचना, ऑनलाइन लाइब्रेरी, नौकरी या तर्क सम्मत सोच, बताइए बताइए जल्दी। लंच ब्रेक के टाइम सीखता है, 24 नंबर का बिल्कुल सही है, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट करके वो क्या कर रहा है, इन चीज़ों को सीख रहा है। और आपको अप्रेंटिस के साथ में टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, रेलवे की तैयारी करने का, ठीक है। और आप आईटीआई के बाद तैयारी करते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग अप्रेंटिस के साथ में भी रेलवे की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 25 है, इसका आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे, निम्न में से कौन सा निर्णय लेने का इच्छा नहीं है, जो भी आंसर हो उसका सी डी, ठीक है, कौन सा नहीं है आप लोग हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है। और आपका 25 में से स्कोर कितना होगा वो भी बताना है साथ में, और इसका आंसर ही बताना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप की, वहाँ से आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है, ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, आप लोग जुड़ जाइए, जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग जुड़े रहिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, मैं आप लोगों के लिए इतना टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ मेहनत से, तो आप लोगों का दायित्व कर्तव्य बताए वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप में, आईटीआई के अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ठीक है। तो और आपकी कोई राय हो, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके बोल देना, तो मुझे ये बोलना, ठीक है। और नहीं तो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, इसी के साथ हम यहीं पर वीडियो को दी एंड करते हैं। प्लीज़ अपना ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना है, और फिर मैं कहना चाहूँगा प्लेलिस्ट को चेक करें, प्लेलिस्ट में वीडियो देखें, और मिलेंगे आपको 22 तारीख को आपके सेंटर पर, पेपर को एनालाइज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।